Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well. This is your GK teacher asma Sultan. Today, our topic is related with science and technology that is, exploring space. So, my dear students, let's go and explore the space. Since ancient times, scientists of India have explored space from the days of Aryabhatta to date. India has contributed a lot in exploration and explanation of the space. पुराने ज़माने से लेके अभी तक इंडिया के साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लेशन में नंबर इट इज स्टूडेंट्स लेट इज गो थ्रू पेज नंबर फोर्टी टू हेयर वी कैन नो अबाउट इंडियाज़ अचीवमेंट्स इन स्पेस साइंस सो हर इज़ द फर्स्ट वन इंडियाज़ फर्स्ट सेटेलाइट टू ऑबिट द मून इंडिया का पहला सेटेलाइट जो मून के इर्द गिर्द ऑबिट कर चुका था और उसका नाम था चंद्रायन सेकेंड वन फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था उसका नाम आपको याद रखना दैट वॉज आर्या नेक्स्ट वन इंडियाज़ फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंडिया का पहला ऐसा सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग पे था उसका नाम था आई आर एस फर्स्ट ए जो रिमोट के जरिए काम करता था आई आर एस फर्स्ट ए वन मोर थिंग इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टू गो इन टू स्पेस इंडिया की पहली औरत जो स्पेस में गई थी उसका नाम क्या था बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा उनका नाम यस yes, उनका नाम था कल्पना चावला ये इंडिया की पहली औरत थी जो स्पेस में गई थी नेक्स्ट वन इंडियाज़ फर्स्ट वेदर कम कम्युनिकेशन सेटेलाइट इंडिया का पहला सेटेलाइट जो वेदर की इंफॉर्मेशन देता था और साथ में कम्युनिकेशन के लिए भी काम करता था जैसे कि मोबाइल का नेटवर्क आता है या टीवी का रेडियो का वो कैसे चलता था उसका नाम था इनसेट फर्स्ट ए इनसेट फर्स्ट ए लास्ट वन इंडिया ओनली सैटेलाइट टू ऑबिट मार्स इंडिया का ऐसा सेटेलाइट जो मार्स के इर्द गिर्द घूमता था उसका नाम था मंगल यान मंगल यान सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक एक्सप्लोरिंग स्पेस अगर आप में से भी किसी को है स्पेस में जाने के लिए तो उसके लिए पहले क्या करना है आपको अच्छे से पढ़ना है और एस्ट्रोनॉट बनना है उसके बाद आप भी एक्सप्लोर स्पेस को कर सकते हैं हेव लोड्स ऑफ लक टू यू टेक केयर अल्लाह हाफिज़